एक ही टारगेट है क्या तेरे पास? रुबीना के अलावा और कोई काम मिलता नहीं, फटती है बाकी सब लोगों से तेरी। ये कहा राखी सावंत ने अर्शी खान को रुबीना जी के लिए। एक सस्ता मजाक है तू, एक जोक है तू, फुटेज चाहिए फॉलो मी, ये अर्शी जी को कहा रुबीना जी ने जबरदस्त। अर्शी खान, रुबीना और बेइज्जती करवानी है क्या? रुबीना जी, इतनी हो चुकी है और करवाएगी अपनी? हाँ, अर्शी ने राखी को कहा ए नल्ले, और कहते हुए चली गई। तो पलट के रुबीना जी कहती है इसके अलावा घर में सारे नल्ले और नल्लियाँ, बाकी यही ठीक है बस। क्रिएटिव्स ने मुझे कह के भेजा है, मुझे लड़ना है, रुबीना जी ने कहा, और तू एक्सपोज हो गई, एक जोक है, तू इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, मजाक है मजाक। अभिनव जी टू अर्शी, बेवकूफ लोगों को समझदार घमंडी लगते हैं, अभिनव ने अर्शी से कहा। अभिनव, है एटीट्यूड, है एटीट्यूड, बोल क्या कर लेगी, क्या उखाड़ लेगी। अभिनव, पुराना उर्दू का कोई चुटकुला है तू, जिसको सुन चुके हैं, हंस चुके हैं, अब खत्म हो चुका है, पंचेस की भरमार थी आज। और अर्शी के बारे में तो क्या है, आप आगे रिव्यू में देख ही लीजिए प्लीज। और दोस्तों, मैं कल मॉर्निंग में 2020 के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, जो 2020 की यादें थी उस बारे में, प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा और शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है वो सब करिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा प्लीज़। चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल, मैं मनु हूँ, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। हालांकि मैं जानता हूँ आप बहुत शोर शराबे से सीधा रिव्यू देखने के लिए आ रहे हैं, तो उतनी काएँ काएँ चाएँ चाएँ काएँ काएँ चाएँ चाएँ कैसे की जा सकती है मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगा करने की, है ना। पर पहले थोड़े टॉपिक्स में बात कर लेते हैं। सोनाली जी के पास मुद्दा था कल के समान ढंग से क्यों नहीं रखा गया। आज उन्होंने राहुल वैद्या के साथ में एक टॉपिक किया कि भाई तेरा टॉवल हटा दे जा करके, जबकि राहुल वैद्या ट्राई कर रहे थे तमीज़ से अच्छे से बात करने की, हाथ जोड़ करके कह रहे थे सोनाली जी मैं आपसे ऐसे बात करना नहीं चाहता हूँ, सोनाली जी मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, सोनाली जी मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से ऐसा कोई शब्द निकले जिससे आपको कोई तकलीफ पहुँचे। मगर सोनाली जी नहीं सुन सकती, क्योंकि सोनाली जी निकलना नहीं चाहती घर से, और घर में रहने के लिए कुछ तो करना है, अब कुछ करने के लिए क्या करना है, तो भैया झगड़ा बच जाता है। तो सोनाली जी झगड़े पर लगी पड़ी हैं, यार तन्ने समझ में ना रोए, तू मेरे को कह रहा है देश की के औकात के मेरे को बोल देगा। बेसिकली फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ, यहाँ पर जो मास्टरमाइंड है, उन्होंने आज मास्टरमाइंड वाला ये काम किया कि प्लेबैक म्यूजिक दी उन्होंने पीछे से, ये सिर्फ मास्टरमाइंड कर सकता है जिसके पास बड़ा दिमाग होगा। मास्टरमाइंड अर्शी के पास जा सकता है और जाकर के कह सकता है कि ट्वेल्व में गेम था में नहीं खेल ले, ये धूध बोल ले लो कि भाई मम्मी थी तब इतने तक देव नहीं खेल लो। मास्टरमाइंड के दूसरे काम ये होते हैं कि आप गेम खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, पब्लिक से ही सारे सामने जाकर के बता दीजिए और ये कहिए कि मैं आपके साथ गेम नहीं खेल रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू प्ले आई कैन प्ले विथ यू, अर्शी खान आपको ये बता सकती हैं। तो मास्टरमाइंड की दूसरी खूबी है। अब अर्शी खान जिसको दिन भर तंग कर रही है राखी सावंत, या फिर राखी सावंत को दिन भर तंग कर रही है अर्शी, ये इन दोनों को तो पता नहीं, पर मैं आपको बताता हूँ कि मास्टरमाइंड यहाँ पर राखी सावंत के भी दोस्त हैं और वो उसको ये समझाते हैं, राखी जी ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप जी दिल्ली है, आप समझदार लड़की है, आप तरीके से रहने अगर के जैस्मिन की तबीयत खराब है, आपको लड़ना नहीं है जैस्मिन से, तो वो ये करते हैं। जबकि वो, मैं जानता हूँ आपने गलती नहीं की है, नहीं भाई, नहीं भाई, आपको ऐसा लगता है मैं गलत कर सकती हूँ भाई, मैं किसी के साथ गलत कर सकती हूँ भाई, मैं ऐसी बिल्कुल इंसान नहीं हूँ भाई, अगर उसको दर्द है तकलीफ है बिग बॉस देखेंगे भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ भाई, ओ जीसस प्लीज़ हेल्प माई चिल्ड्रंस, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो वहाँ पर वो उसको कहते हैं मैं जानता हूँ आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ भाई, खुल के समझा दे अगर समझाना चाहता है तो। वहीं पर अर्शी और राखी अगर आपस में एक दूसरे पर बज रही हैं तो उनको भी समझाते मेरे भाई, लेकिन एक ट्रिपल गेम मास्टरमाइंड खेल सकता है सोनाली जी के साथ, अर्शी के साथ और राखी के साथ भी, मगर इन तीनों को एक साथ नहीं कर सकता क्योंकि सबका साथ तो इसमें कहाँ है विकास, नहीं होगा विकास, तो विकास भैया का ये वाला गेम चल रहा है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद में कुछ बहुत सारे गंदे शब्दों का उच्च कोटि की तरफ से, उच्च कोटि के स्तर पर ऐसा लगता है कि अर्शी जी प्रयोग कर रही हैं। मतलब कितना खराब मुंह बनाऊं मैं कि जो मैं अर्शी वाली सारी हरकतें कर पाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये नल्ले, मतलब मैं सोच रहा हूं मेरे घर का एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, मैं कैसे बोलूं, क्या कर रही है वो बिग बॉस के अंदर, किस तरीके से वो लड़ रही है, मतलब लिटरली रुबीना जी के पीछे पीछे वो चल रही है, क्योंकि वही तो उसको कंटेंट देगी, उसके अलावा उसको कौन पूछेगा। इजाज की इंसल्ट कर देती है इजाज की दोस्त होकर के, राखी जी को कुछ भी बोल देती है, खजवी है नल्ली है, मुंह टूट जाएगा है जोगी है।
रहा होगा मैं पागल हो रहा हूँ, पर एक्चुअली रिव्यू करना है ना तो कैसे करूँ। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मेरे दूसरे रूम में बैठे हुए दोस्त ये सोच रहे होंगे क्या मैं पागल हो रहा हूँ, क्या मैं रिव्यू करने के लिए कुछ भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप सोचिए कि रिव्यू करने के लिए अगर मैं कुछ भी करता हुआ लग रहा हूँ तो वो एक शो करने के लिए कुछ भी कर रही है। मतलब रुबीना जी के पीछे जा रही है, निक्की की दोस्त हो गई आज, वो निक्की को रोक रही है, निक्की बेडरूम के अंदर चादरें फेंकने उसके साथ जा रही है, निक्की ने बर्तन नहीं धोए तो निक्की क्या हो गया, छोटी है अभी, निक्की नादान है। आप बड़ी हैं मोहतरमा, आप बड़ी हैं, आपका दिमाग काम करता है तो आप थोड़ा सा लगा लें। आप सोचें कि आप क्या कर रही हैं, एक औरत का तकल्लुफ तोड़ने के चक्कर में मियां तुम एक औरत का तकल्लुफ तोड़ने फंस जाएगी गरारी, तोड़ने के चक्कर में खुद के साथ क्या कर रही हो। इसी दरवाजे से तुझे निकलता हुआ देखोगी, ऐसा होगा ही नहीं कभी, अल्लाह पाक की कसम, सॉरी भगवानों कसम नहीं खाते, मैं कसम खा रहा हूँ जिसकी भी कौम, मेरे ईमान की खा रहा हूँ, रुबीना तेरे सामने से मुख्य द्वार से बाहर नहीं जाएगी। मगर उसको देखो तकर जो भी वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस तकबर जो भी हुआ वो तुझको हुआ कि इनको हुआ। वहीं पर अली गोनी को ये लगता है, अच्छा एक बार हम बात करते हैं कि अभिनव ने जो उसको पलट के कहा, नल्ली सस्ता जो के तू, बंद वाला जो के तू, पुराना नोट है तू, मतलब ये मैं बेहतर से कह रहा हूँ, मतलब जो वो हरकतें कर रही थी उसके ऊपर अभिनव ने जो उसको बातें सुनाई आज मज़ा आ गया। मतलब अभिनव उसको कह रहा है ऐसा लग रहा है तो पुरानी वाली बंद नोट की करेंसी है, पता नहीं क्या क्या कह रहा था उसको वो, और वो बहुत 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 ज़बरदस्त था। एंड इनफैक्ट अभिनव ने यहाँ पर रुबीना जी को फिर आज गलत बोला, कहा कि ऐसा लग रहा है यू आर अ क्राय बेबी, शी सेड आई एम अ क्राय बेबी, हो रही है मुझे तकलीफ, रहती हूँ मैं इसी घर के अंदर, आते जाते हुए अगर उसको देख रही हूँ तो मुझे परेशानी होती है। एंड क्लैप्स फॉर रुबीना जी, रुबीना जी आज आपने जो बढ़िया तरीके से इसकी क्लास ली है ना अर्शी की, मज़ा आ गया। आपने उसको मिनट ऑफ मिनट में रियलाइज़ करवाया कि वो है कौन। आपके आकर के पैर पड़ के आपको कह रही है कि क्रिएटिव्स ने मुझे आप लोगों से लड़ने के लिए कहा है, अदरवाइज मैं आपसे लड़ना तो नहीं चाहती हूँ। आपने ये बात बताई, अगर चूंकि आप झूठ नहीं बोलती और आप उसके मुंह पे कह रही थी और वो नट भी नहीं रही थी इस बात से, यानी पक्का उसने आपको ये कहा है, तो जिस तरह से अर्शी खुद को खर्च कर रही है, विकास के साथ अर्शी अपने प्लान को एक्सपोज करती है, क्रिएटिव्स पे झूठा नाम लगा के कि मुझे ये कह के भेजा है, वो ये सारी बात बोलती है, बाहर से कहती है कि आ रही हूँ मैं अभिनव तेरे पास, और आज अभिनव को कह रही है कि बैग पैक कर लो, तुम किसी काम के नहीं हो, नल्ले हो, उसकी वाइफ के पीछे पड़ी भी रहती है। शुरू में कहती थी मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, अभी आप उसका तकर्रुफ तोड़ना चाह रही हैं, और कल एक प्रोमो में देखा आपने कुर्सी तोड़ दी। एक्चुअली सलमान सर सच बोलते हैं कि जिस भी वीक पे मैं जिस किसी की भी थोड़ी सी तारीफ कर देता हूँ वो पागल हो जाते हैं। चलो राखी की भी बहुत तारीफ हुई, लेकिन राखी पागल होती नहीं दिखी, आप कंप्लीटली क्रेजी होती भी दिख रही हैं। मैं तो सच कह रहा हूँ कि अगर कोई दवा ववा चल रही है तो अर्शी के अंदर जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी हरकतें कोई सेंट्रिक ब्रेन वाला नहीं कर सकता। कि अभिनव ये कह रहा है कि जैस्मिन को सोने में तकलीफ हो रही है तो पीछे से पता नहीं क्या कर रही हो पीछे से, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है आदमी के पड़ोसी बोलते हैं कि मैडम ऐसा लग रहा है आपके घर में कोई पागल है, फिर एक होता है कि घर वाले कहते हैं कि हमारे घर में कोई पागल है, थर्ड स्टेज ऐसी होती है जिसमें हॉस्पिटल वाले घर आ जाते हैं और कहते हैं भाई तुम्हारे घर में पागल है, हमें ले जाना है। बिग बॉस के घर में गाड़ी आ सकती है कभी भी, इतना ज़्यादा अजीबोगरीब तरीके से राखी सॉरी ये अर्शी जी गेम खेल रही हैं। क्या टॉपिक चेंज करते हैं, बहुत हो गया अर्शी। दोस्तों इसके बाद में हम आते हैं, अली गोनी ने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिव्स इन लोगों को फेवर कर रहे हैं, यानी शो वाले इन लोगों को फेवर कर रहे हैं, इनको इम्यूनिटीज़ देना चाहते हैं, हम लोगों को नॉमिनेट करना चाहते हैं, इन लोगों की तारीफ करके जाते हैं, और घर में इन लोगों को नॉमिनेशंस में इन्होंने कब चर्चा किया पता भी नहीं था। नॉमिनेशंस के बारे में चर्चा करते हैं, आओ मिलके बैठते हैं, ऐसे तो कोई भी बात नहीं करता। तो नॉमिनेशंस के चर्चा का मतलब ये हुआ, बड़े भैया आप लोगों ने साथ में बैठ करके ये कहा, राहुल महाजन को राहुल महाजन मेरा दोस्त बन चुका है, वो इस ग्रुप के अंदर है, पुरानों को हमको भेजना है, इन्हीं को हमको निकालना है, टॉपिक ये भी था। तो फिर भाई इसके अलावा नॉमिनेशन वर्ड ही तो नहीं यूज़ हो रहा है ना, फिर आपको लग रहा है यहाँ पे पार्शल हो रहे थे, यहाँ पर आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। नॉमिनेट आपको इसलिए किया गया क्योंकि आप लोगों की तरफ से वही लोग नॉमिनेट होते, और अर्शी नॉमिनेट कर देती राखी को, राखी कर देती अर्शी को, है ना, सोनाली फोगाट जी शायद बार किसी को कर देती है ना, पर वो राहुल वाध्या और अली को पसंद करती हैं तो वो उनको भी नॉमिनेट नहीं करती, इजाज़ खान आप में से किसी को करते, आप इजाज़ को करते, तो यहाँ से कितने लोग गए,
ज़्यादा वोट्स की वजह से अर्शी नॉमिनेट हो जाती, राखी सावंत नॉमिनेट हो जाती, एजाज खान नॉमिनेट हो जाता। ये तीनों लोग फॉर श्योर, तीनों में से कोई एक चला जाता बाहर, यानी अर्शी खान चली जाती। अब अर्शी खान तो आप लोगों से बहुत कुछ निकलवा रही हैं, क्योंकि इससे पहले आप सेब खा रहे थे ऐसा आप भी आज बोल रहे हो, और अभिनव भी कह रहा है मैं आलू छील के सेब ही काटने वाला हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोग यही कर रहे थे, मतलब आप लोग स्लो थे, डल थे, आप कुछ कर नहीं रहे थे खास। तो अब जो आपसे करवा रहा है उसको कैसे निकाल दे साहब, चाहे वो खुद हंग रहा है और उसको समेट भी नहीं पा रहा है, मगर आपसे करवा तो रहा है, तो इसलिए आप चार लोग नॉमिनेट हो गए। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर कोई ना कोई और नॉमिनेट हो, कोई ना कोई कोई गलती कर दे, कोई कैप्टनशिप टास्क में कुछ कर दे और भी कप्तान को मौका मिल जाए किसी को नॉमिनेट करने का, तो भविष्य किसी ने भी नहीं देखा, मगर आप चारों को तो सही नॉमिनेट किया जाए क्योंकि आपने इनडायरेक्टली डिस्कस किया। अब सलमान सर आए और वो कहकर चले गए फिर क्यों नॉमिनेट किया, तो सलमान सर अपना काम करके गए, ये क्रिएटिव्स का काम है, यानी शो वालों का काम है, बिग बॉस का काम है, तो वो अपना अपना काम कर रहे हैं सब लोग, राइट। अभी इसके बाद में सोनाली जी और ये वाली बात तो हो गई, अब आई निक्की तंबोली को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया अपन को करना क्या है, क्योंकि अपन से तो चला के काम हो नहीं रहा और कोई कंटेंट भी अपन दे नहीं रहे, तो अपन करें क्या उसके लिए, कंटेंट देने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो साहब उसने बोल दिया मैं बेडरूम साफ नहीं करूंगी, राखी जी ने पलट के कह दिया कि तो फिर हम भी करके काम नहीं करेंगे। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, अब वो राखी जी को कुछ भी बोलेंगी, राखी जी उनको कुछ भी बोलेंगी, तो इस बारे में घर वालों को मैटर मिल गया। तो ये निक्की जी का गेम है, ठीक है। अली ने, सोनाली जी ने कहा ठीक है भैया ये काम नहीं करेगी तो मैं इसने भी काम ना करने दूं और मैं भी काम ना करूं, ये ना धोएगी बर्तन ना मैं ना बनाऊंगी नाश्ता। तो अली ने कह दिया मैं भी नहीं करूंगा। फिर अली को याद आया भैया अपन इनके कहने पे कैसे चल रहे हैं, अली ने कैंसिल किया। अली ने कहा हम तो काम करेंगे, निक्की जाने, निक्की का काम जाने। तो भाई निक्की को आप लोग फेवर कर लो या मत करो, वो आपकी लुकआउट है। सोनाली जी का एजेंडा बिल्कुल ठीक था कि भाई मैं नहीं करना चाहती फेवर और मैं नहीं करूंगी फेवर। राहुल वैद्या वाली बात पे वो गलत थी, लेकिन राहुल ने तीर तो लिया था ना, राहुल ने आकर के पूछा ही क्यों, क्या मैडम एक सेकंड क्या चल रहा है। अब उसको लगा भाई तू निक्की का दोस्त है इसलिए उसने तेको बोल दिया, बाद में उसको रियलाइज हुआ उसने तेरे से सॉरी भी मांग ली। आप लोग उनको इज्जत देते हो समझ में आ गया, लेकिन वहीं पर अर्शी को और निक्की को सपोर्ट, अर्शी और राखी को सपोर्ट भी करते हो ये चीज भी बहुत ज्यादा क्लियरली है। निक्की ने ये बात जैस्मिन बसीन को बोली कि शुरू में इन्हीं लोगों ने चढ़ा चढ़ा करके इनको तैयार किया, सोनाली जी, राखी एंड अर्शी को, और अब ये लोग इन्हीं के ऊपर अटैक कर रहे हैं। थोड़े दिनों की बात है, तकव्वुर आपका भी निकल जाएगा अली भैया एंड राहुल जी, अर्शी आप लोगों से भी चढ़ेगी। बस सलमान समझा के गए हैं, अभी उसको समझ में नहीं आया है, एक दो बार में उसको समझ में आ जाएगा, कुछ ना कुछ कहने पर वो आपसे भी लड़ने लगेगी, क्योंकि ऐसे लोग किसी के सगे कैसे हो सकते हैं। इजाज़ से तो वो बात बात पे लड़ने लग जाती है, जबकि इजाज़ खान उसको सपोर्ट करता है, इजाज़ खान उससे अच्छे से बात करता है। बट कुल मिला के जो लास्ट में रोटियों वाला झगड़ा हुआ उसमें रुबीना दिलैक ने शो कर दिया कि भाई मुझसे पंगा मत लेना, मेरे जैसा कोई है नहीं, शानदार वाला बोली, जबरदस्त बोली, और अर्शी खान के पास कुछ नहीं था बोलने को, पास मत आना, वो चौंक गई, भाग गई और कुछ कर नहीं पा रही थी। तो परफेक्ट रुबीना जी, मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि आपको जवाब देना चाहिए, आपको चुपचाप सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि चुपचाप सुनने की वजह से विकास से कोई गलती हो गई थी, तो आप ऐसी कोई गलती करो मत, आप लगातार भिड़े रहो। वहीं पर जैस्मिन के सर में दर्द हुआ तो जैस्मिन रोने लगी, और वहाँ पर राखी जी बात कर रही थी, बाकी के लोग भी बात कर रहे थे, हमने फुटेज में कम ज़्यादा देखा, लेकिन रुबीना ने ये कहा कि गंदे गंदे शब्द बोल के ये लोग लगातार बात कर रहे थे। तो अगर गंदे गंदे शब्द बोल के लगातार ये लोग बात कर रहे थे, जैस्मिन को गुस्सा आया, जैस्मिन को रोना आया, जैस्मिन ने कहा अगर कुछ बोलो तो बुरे दिखते हैं, बड़ों को बोलो बदतमीज दिखते हैं, राखी जी को कह दो तो घटिया दिखते हैं, तो करें क्या, और लगातार रो रहे हैं। ये एक्चुअली जो ट्रोमा में चल रही है या प्रॉब्लम हो रही है जैस्मिन बसीन को, ये फ्राइडे का डोज है, फ्राइडे के डोज से ओवरकम नहीं किया है संडे तक उन्होंने, संडे है अभी घर के अंदर, जो आज आपने देखा वो संडे था, अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि होगा क्या, राइट। सैटरडे ऑफ होता तो फिर संडे का फुटेज देखा हम लोगों ने, उनको प्रॉब्लम हो रही है, इतने में वो नॉमिनेट हो गए, नॉमिनेशन में उनको लग रहा है हम नॉमिनेशन होने लायक नहीं थे, अली को बार बार लग रहा है कि बिग बॉस गलत कर रहे हैं, मैं कन्फेशन रूम में आना चाहता हूं, मैं शो छोड़ना चाहता हूं, कि हम लोगों को गलत कहा क्यों जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसमें, वो लोग को ऐसा फील हो रहा है जबकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि नॉमिनेशंस आपने किए थे, और अगर आप उंगली दिखा रहे हो या आप इनको घेर रहे हो या इनको उल्टा सीधा बोल रहे हो, अब देखो उंगली वाली बात चाहे हमको समझ में नहीं आई, लेकिन सलमान सर ने उसका ही वाला अंजाम निकाला, नॉमिनेशंस की इन्होंने बात की, नॉमिनेशंस में चले गए, अब नाक टूट के गिर जाएगी और नाक पे लगी थी उस वजह से जैस्मिन को सुनना पड़ा। बाकी के जो टॉपिक्स आए वो रुबीना जी के एक दो टॉपिक्स आए, अब इसमें कौन गलत था कौन सही था इसको अगर एक बार छोड़ भी दिया जाए, पर इन चीज़ों के जो बातें सुननी पड़ी है, इनको जो बर्दाश्त करना पड़ रहा है, वो इनको बहुत चुभ रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक्चुअली अगर ये बिग बॉस है,
जो अर्शी खान कर रही है, और पब्लिक को अगर थोड़ा बहुत भी मज़ा इरिटेशन के साथ में आ रहा है या तकलीफ़ हो रही है, मैं तो एक सिंपल सी बात बोलूँगा, मेरे अकॉर्डिंगली ये बिग बॉस नहीं है कि लगातार चिल्लाते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, उल्टी सीधी हरकतें करते रहना, रुबीना जी के पीछे पड़ जाना, अली से नहीं लड़ना, जैस्मिन से नहीं लड़ना, राहुल वैद्या से नहीं लड़ना, और निकी तंबोली को भी फेवर करना, जबकि सलमान सर समझा कर गए हैं कि भाई अपना देखो, वो और तुम और वो और तुम, मतलब इस बार अर्शी खान अगर नॉमिनेशंस होते तो सारे लोग अर्शी खान को नॉमिनेट करते, क्योंकि राखी की तरफ से भी वो तो गलत कर रही है, सोनाली जी के लिए भी गलत कर रही है, इजाज के लिए भी गलत कर रही है, और सामने वाले तो वैसे ही उससे भरे पड़े। इजाज खान आज के दिन में जहां जहां पर बोले बहुत जबरदस्त बोले। इजाज खान ने ये समझाया अली को एंड सोनाली जी को कि क्यों आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि निक्की ने काम नहीं किया उस वजह से झगड़ा स्टार्ट हुआ, वहां पर उन्होंने उन लोगों को सॉर्ट करवाया। इजाज खान ने अर्शी को एक प्लान दिया कि जाओ जाकर के तुम बैठ ठीक कर लो, तुम लीडर दिखोगी, यानी कुल मिलाकर उसको काम करवाना था कि तुम लीडर दिखोगी, तुम जाकर के ये कर लो और वहां पर जाकर के इस झगड़े को सॉर्ट कर दो। अर्शी ने उनके कहने पे क्या बात है इजाज, ऐसा करते ही वो कर लिया और उस चीज को सॉर्ट कर दिया। यहां पर भी इजाज ने दिखाया कि मैं तो सीख रहा हूं। सो इजाज इज इंटेलिजेंट इनफ। इजाज ने राहुल को भी समझाया, जब राहुल को बात समझ भी नहीं, बोला राखी जी हमसे बड़ी है, हम थोड़ा सा समझे बातों को, हम फालतू के पंगे ना लें। तो इजाज जहां जहां पर बोले, सटीक बोले, परफेक्ट बोले, कोई फालतू के काम करते हुए नहीं दिखे। न उड़ता तीर वो आदमी लेता है, न उड़ता तीर सामने वालों को देता है, तरीके से खेलता है। तो कुल मिलाकर के अर्शी खान हुई प्रॉपरली एक्सपोज्ड कि क्रिएटिव्स का बहाना बना करके कुछ भी बोल रही है कि मैं आपसे गलत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं क्रिएटिव का बहाना बना रहा हूँ। बेसिकली क्या होता ना, वो गलती करती है, गलती करने के बाद वो सॉरी मांगती है, और सॉरी मांगने के बाद उसको रीज़न तो कुछ ना कुछ देना होता है, विकास का कुछ और रीज़न दे देती है, किसी और का कुछ और दे देती है। तो इन लोगों को उसने शायद रीज़न दे दिया कि मेरे को तो बाहर से कह के भेजा था, इसलिए मैं आप लोगों से लड़ रही हूँ। तो वो कह रही जरा काम तो ढंग से कर ले, रुबीना जी उसको कह रही है। तो परफेक्ट, यहाँ पर अर्शी गंद मचा रही है, राखी जी ने आज चला के कोई पंगा नहीं लिया, लेकिन अगर रुबीना जी कह रही है कि वो लोग वहाँ पर खड़े होकर के जानबूझ के सोनाली जी, अर्शी, सोनाली जी को बहुत बुरा लगा, अरे मेरे क्यों गले पड़ रहे हो साड़ा, रात को नींद की बात पर। अभिनव ने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली, अभिनव ने आकर के ये बोला, अगर रात को जगाने वाला ही गेम खेलना है तो मुझे क्लियरली बोलो, बोलो मैं तैयार हूँ, और किचन एरिया में भी वो बोला। तो शायद नॉमिनेशंस के बाद में अभिनव जी आप भी थोड़ा निखर के सामने आ रहे, लेकिन अभिनव फिर भी प्रिपेयर्ड है घर जाने को, और वो कह रहा है मैं जाना होगा तो चला जाऊंगा, लेकिन बिग बॉस हो सकता है अभी कोई फ्रिकी घुमाए। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। रुबीना जी अब ऐसे ही अपना स्टैंड लें। राहुल वैद्या तुमने बहुत ज़बरदस्त किया कि तुमने एक औरत को गलत नहीं बोला, उससे सामने से सॉरी बुलवा दी, ये तुम्हारी क्वालिटी थी। अली को ऐसा लग रहा है कि जैस्मिन और मेरे साथ हो रहा है गलत, हमारा काम पूरा हो चुका है, अब हमें घर जाना चाहिए। तो शायद अली भी अपने स्टैंड पर सही हो सकता है, लेकिन बिग बॉस उसको समझाएंगे और वो कन्विंस होकर के गेम के अंदर आ जाएगा। जैस्मिन को बहुत तकलीफ हो रही है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं कुछ बोलती हूँ तो मैं गलत हो जाती हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ तो मैं गलत हो जाती हूँ, जाऊँ कहाँ बताए दिल। सोनाली जी को गेम के अंदर रुकना है, और सोनाली जी ने कह दिया बस अब मैंने तो कुछ ना कुछ करना है, और तकब्बुक की तारीफ में तो जो उर्दू की एक किताब खा करके निगल करके पेट में आ गई अर्शी खान, उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि अपना, वो कुछ भी बोल रही है। और रुबीना जी ने कहा अगर खानदान पे आई ना तो देखना साली तेरे साथ क्या करूँगी। ज़बरदस्त भाई, ठीक है गाइस, मनु पंजाबी अपनी मम्मी को बोलना आई लव यू एंड सादर चरण स्पर्श, टेक केयर, अपनी मम्मी को बोलना, मम्मी के लिए ये सब कुछ, लव यू गाइस।